दोस्तों ये ब्राउन हेडेड बाबेट बैठा है मेरे ख्याल से। इसका फेस थोड़ा सा पत्तों में छुप रहा है। अभी मैं थोड़ा अलग एंगल से, हाँ ब्राउन हेडेड बाबेट ही है, इसने सर हिलाया। तो ये बड़ा कॉमन है, इस समय फ्रूजीवोरस होता है पिजन्स की तरह ही। बाबेट्स ही फ्रूजीवोरस होते हैं, फ्रूट्स ही खाते हैं मेनली। और ये बैठा हुआ इस समय, इस पेड़ पर पत्ते तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर सेमल के पेड़ हैं कई, उस पर ये बैठना पसंद करते हैं। तो ये ब्राउन हेडेड बाबेट है। अगर ये अभी कॉल करेगा तो कॉल भी आप सुन पाएंगे। थोड़ा और जूम कर रही हूँ, देखिए इसकी बॉडी ग्रीन है पूरी, और हेड जो है वो ब्राउन कलर का है, और बीक रेड कलर की होती है। और थोड़ा थोड़ा ये लीनिएटेड बाबेट जैसा दिखता है, लेकिन लीनिएटेड बाबेट बिल्कुल अलग होता है। उसके नेक वाले रीजन में पूरे वाइट कलर के लाइंस होते हैं बहुत ज़्यादा। ये देखिए ब्राउन हेडेड बाबेट। ये सुनिए दोस्तों, ब्राउन हेडेड बाबेट ने कॉल करना शुरू कर दिया है। और देखिए साथ में इसका नेक का मूवमेंट भी बड़ा टिपिकल सा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गूलर फ्लटर होता है ना कॉर्मोरेंट्स में और दूसरे बर्ड्स में हीट लूज करने के लिए, उसी तरह का मूवमेंट हो रहा है नेक में। सुनिए, ये आपने देखा ब्राउन हेडेड बाबेट, देखिए अभी भी बैठा हुआ है आराम से। और मेरे ख्याल से यहाँ पे एक पेयर तो रहता ही है यहाँ पर, जो मेरी सोसाइटी, यहाँ पर मैंने दो देखे हैं और एक बार इनका बच्चा भी मैंने देखा हुआ है जुवेनाइल। तो ये तो फुल ग्रोन ही है ब्राउन हेडेड बाबेट, और जो इसकी कॉल थी वो अब वो भी आपने सुनी। दोस्तों ये एशियन पाइट स्टारलिंग्स बैठी हैं इस पेड़ पर, और ये और स्टारलिंग्स आके बैठ गई यहाँ पर। ये देखिए अभी बीच में ये उड़ गई थी सारी की सारी, लेकिन धूप में अभी ये अच्छे से दिखाई दे रही हैं कि कैसी लगती हैं। ये देखिए मायना से ही रिलेटेड है, कॉमन मायना के ही फैमिली का है ये। ये सारी की सारी एशियन पाइट स्टारलिंग से, ये देखिए उड़ के जा रही हैं उधर। अभी भी दो यहाँ पर बैठी हुई हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर चिड़िया होती है। पाइड का मतलब कि वाइट और ब्लैक ही होगा इसके बॉडी पर कलर्स, तो ये एशियन पाइड स्टारलिंग इसलिए इसको कहते हैं। रोड के दूसरी तरफ जो है कबूतरों के लिए दाना डाला जाता है, तो वहाँ कबूतर के अलावा कौए भी आ जाते हैं, और ये स्टारलिंग्स भी वहाँ से दाना चुग रही है। हालाँकि ये ग्रैनीवोरस नहीं होती, स्टारलिंग्स जो है इंसेक्ट्स वगैरह को भी खाती हैं, इन्वर्टिब्रेट्स को भी खाती हैं, तो इस समय इनको दाना मिल रहा है तो ये वो चुग रही हैं। दोस्तों ये वाइट थ्रोटेड किंगफिशर किसी सोच में है, अक्सर इनको इस मुद्रा में बैठे हुए देखा है मैंने, और बड़ा मज़ा आता है देखने में। बिल्कुल ऐसे सर झुकाकर, मतलब ये एक्चुअली अपना प्रे ही ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वाइट थ्रोटेड किंगफिशर सिर्फ फिश को नहीं, इंसेक्ट्स वगैरह को, जो भी छोटे मोटे फ्रॉग्स हैं, छोटे रेप्टाइल्स हैं, इनको भी खा लेते हैं। तो ये कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन देख के ऐसा लगता है जैसे कि बड़ी गहरी सोच में हो, किसी बहुत ही सीरियस मैटर पे सोच रहे हो ऐसा लगता है देख के। ये अपना पर्च चेंज कर लिया है, किंगफिशर ने कुछ पकड़ा है उसको खा रहा है। ये इंसेक्ट ही होगा, ग्रास हॉपर या ड्रैगन फ्लाई वगैरह इस समय उड़ रहे हैं, तो ये पर्च पे अभी यहाँ पे बैठ के खाया है इसने। दोस्तों किंगफिशर्स, बी ईटर्स और रोलर्स, ये तीनों ही सेम ऑर्डर में आते हैं कोरैसी फॉर्मिस, और तीनों ही पर्च कर सकते हैं, लेकिन फैमिलीज इनकी अलग अलग होती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सारे पर्चिंग बर्ड जो है पैसरी फॉर्मिस में ही हो, ये तीनों कुरैसी फॉर्मिस में आते हैं और एक दूसरे से बहुत अलग अलग हैं, लेकिन सेम ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। दोस्तों ये मायना ही है, लेकिन बड़ी स्ट्रेंज कॉल कर रही है, अजीब सी। ये देखिए ये आके भी बैठी है इस पेड़ पे, और इसकी कॉल सुन के मैं अचानक मुड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ी श्रीकिंग सी कॉल है, तो मुझे लगा कि किसी रैप्टर का कॉल तो नहीं है, लेकिन ये मायना थी, तो थोड़ा सा अजीब कॉल लगा मुझे इसका। तो मायनाज मतलब कई अजीब अलग अलग तरीके के साउंड्स जो है वो निकालते हैं, जो इनका नॉर्मल कॉल है उसके अलावा भी।
हालांकि स्टारलिंग्स को मिमिक्री की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, मिमिक्री करते हुए स्टारलिंग्स को नहीं सुना गया है। और बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, ऐसे लार्क्स होते हैं, ड्रोंगोज होते हैं, और भी कई बर्ड्स हैं जो इवन मैकपाई रॉबिन्स हैं जो कि मिमिक्री के लिए जानी जाती हैं, लेकिन स्टारलिंग्स मिमिक्री नहीं करती हैं।